आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया था, है ना बच्चों? आज हम जब मैं पढ़ता था इस पाठ का हम दूसरा भाग को आज हम जानेंगे। बच्चों, मैंने बताया था कि गांधी जी कौन है? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है ना बच्चों? गांधी जी कौन है? गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता है। तो बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। मैंने उनका जीवन के बारे में भी बताया था, उनका माता और पिता का नाम भी बताया था, है ना बच्चों? तो बताइए, गांधी जी का माता का नाम क्या है? गांधी जी का माता का नाम क्या है? पुतली बाई। और उनका पिता का नाम है करमचंद गांधी। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। आज हम इसका दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे। देखिए, पेज नंबर है 20। बच्चों, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 20। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार कर दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझ गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात सातवीं कक्षा की है। हमारे प्रधानाध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट की अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें ना लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम प्रति मेरे यह अरुचि लगती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। एक दिन शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चल सका। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे ना आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना, मुझे दंड भुगताना पड़ा। मैं झूठ बना, मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय ना था। मैं मन मारकर रह कर और रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वालों की कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था करमचंद जी का स्वभाव और पुतलिका बाई का स्वभाव भी बताया था। आज गांधी जी ने क्या गलती किया था? गांधी जी अपने हैंडराइटिंग में गलती किया था। हैंडराइटिंग कुछ ठीक भी नहीं था, इसलिए लास्ट वो पछताता रहेंगे। अब मैं इसको पढ़ती हूँ। देखिए, मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी मैं मंदबुद्धि नहीं रहता था। मंदबुद्धि का मतलब क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चे मंदबुद्धि रहता है कि हम कुछ बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने ही अपने तरीके से ही करते हैं, उसे हम मंदबुद्धि बोलते हैं। लेकिन गांधी जी वैसा नहीं थे। मुझे अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। गांधी जी बोलते हैं, जब मैं पढ़ने या लिखने में होशियारी हूँ, लेकिन मुझे होशियारी में कोई गर्व नहीं है। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। गांधी जी बोल रहे कि अगर मुझे इनाम
या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जब मुझे देते हैं तभी मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता लगती थी, मुझे आचरण संप्रदाय इसकी चिंता भी होती रहती है। मेरा खाता कोई ऐसा काम हो जिसके शिक्षक मुझे ढूंढ दे, जैसे कि मैं हम देख सकते हैं कि गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा हाथों या अगर कुछ कोई बुरा काम हो तो मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मैंने इसे शिक्षक के साथ दंड नहीं लिया, यह वो मेरे लिए असहनीय था। अगर मैंने दंड लिया है तो वो मेरा असहनीय है। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। गांधी जी बोल रहे कि एक बार मैंने एक शिक्षक से मार खाई थी। मुझे मार का दुख ना था, लेकिन मुझे मार के लिए कोई भी दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझ गया। गांधी जी बोल रहे कि अगर मारने के लिए मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन उस गलती के लिए मुझे सजा या दंड दिया गया था, उस दंड का मैं समझ गया था। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहले या दूसरी कक्षा की है, ये बात मुझे बहुत दुखी हुई, ऐसा गांधी जी बोल रहे। वो भी किस कक्षा में थे? गांधी जी तब दूसरी या तीसरी कक्षा में थे। दूसरी बात सातवीं कक्षा की है। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात सातवीं कक्षा, जब गांधी जी सातवीं कक्षा पढ़ रहे थे। हमारे प्रधानाध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों को ये व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। जब गांधी जी सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके प्रधानाध्यापक एचएम सर ने क्या किया था बच्चों? कंपल्सरी मस्ट एंड शुड क्या करना चाहिए? व्यायाम और क्रिकेट खेलना जरूरी है, ऐसा अनिवार्य किया था। मेरा मन इसमें ना लगता था, लेकिन गांधी जी को खेलना व्यायाम करना पसंद नहीं आता था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम प्रति मेरे यह अरुचि एक गलती थी। गांधी जी बोल रहे हैं कि यह व्यायाम मेरी एक अरुचि गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, गांधी जी बोल रहे हम व्यायाम करते हैं। गांधी जी बोल रहे हैं व्यायाम पढ़ने के साथ हम क्या करना चाहिए? व्यायाम के साथ हमें पढ़ना भी चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। एक दिन शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था गांधी जी, शनिवार तभी वो व्यायाम के लिए 4 बजे जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। गांधी जी के पास क्या नहीं था? गांधी जी के पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे। आकाश में क्या था? आकाश में बादल था। इससे समय का पता नहीं चल सका। गांधी जी सोचते कि जब मैं शनिवार व्यायाम को जाना है, ना घड़ी है, इसलिए वो आकाश या बादल को देखकर व्यायाम के लिए जाते थे। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। जब गांधी जी व्यायाम के लिए ग्राउंड पर जाते थे तभी सब लोग चले गए। दूसरे दिन मुझे से ना आने का कारण पूछा गया। गांधी जी व्यायाम के लिए ना पहुंचे, इसलिए अगले दिन गांधी जी को पूछने लगे। मैंने जो बात थी बता दी, उन्होंने उसे नहीं माना। गांधी जी के पास घड़ी ना थी, इसलिए वो ना आने के कारण वजह भी बता दी, लेकिन इसका बात कोई भी नहीं मान रहे थे। गांधी जी सजा क्या करते? सजा भुगतना पड़ा था। झूठ बोलना मुझे बेहद दुख हुआ। सब लोग इसे झूठा मान रहे थे, इसलिए गांधी जी को बहुत बुरा लगा। मैं झूठा नहीं हूँ, कैसे सिद्ध करूँ? मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सबके लिए मैं कैसा साबित करूँ? कोई उपाय ना था, मैं ना मारकर रह गया और रोया। गांधी जी बोल रहे कि मैंने साबित भी नहीं किया, ऐसे करो, ऐसे सोच के मन मन में रोए। बाद में समझ आया कि सच बोलने वालों को कभी भी असाधारण नहीं रहना चाहिए। गांधी जी सोच रही कि कभी भी सच बोलने वालों की असाधारण नहीं रहना चाहिए,
हमें हर बार इसमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी सोचते हैं। बच्चों देखिए इस पार्क में क्या कहा गया है, मकले गांधी यात्रा वाच्य भला सर्व एम अंतरे व्यायाम अंत ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಅದ್ರ ವಾಚಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವನ್ ಮಾತನ್ನ ನಂಬದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ। ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಳ್ತಾರೆ। ಬಚ್ಚು ಏನೇ ಇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾ ಸಾರಾಂಶ ದೇಖಿಯೇ, ಬಚ್ಚು ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೊ ಇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾ ಸಾರಾಂಶ ಬತಾಯಾ ಹೂ। ದೇಖಿಯೇ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ ಹೈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ। ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬಚ್ಚು, ಮಾತಾ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಪುತ್ರಿ ಬಾಯಿ, ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಕರಮಚಂದ। ಇನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಕಬ್ ಹುವಾ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕಾ ಜನ್ಮ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। और करमचंद क्या काम करते थे बच्चों, करमचंद राजकोट में एक दीवान थे। और इनका स्वभाव कैसा था, करमचंद का स्वभाव सत्य प्रिय साहसी उदार थे। बच्चों इस बात आपको समझ में आ गया होगा, अगले कक्षा में दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।